हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पार्लियामेंट पार्ट 3 को कवर करेंगे। देखिए, पार्लियामेंट जो इंडिया की होती है, इट इज़ अ सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। इट इज़ आल्सो नोन एज द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। तो अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा होता है, संविधान है, उसको हमें अमेंड करना है, तो आर्टिकल 368 के थ्रू हम जो हमारे पार्लियामेंट होती है उसको क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। अगर मैक्सिमम टाइम गैप की बात करें, टू सेशन जो हमारे पार्लियामेंट के दो सेशन के बीच में जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो 6 मंथ्स का हो सकता है, उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अब देखिए, लोकसभा जो स्पीकर होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, सेक्रेटरी जनरल होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, इनको हम कहते हैं कि ऑफिशियल्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये कौन होते हैं? ये ऑफिशियल्स होते हैं पार्लियामेंट के। कौन कौन होते हैं? लोकसभा स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, सेक्रेटरी जनरल, राज्यसभा चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, ये जो हैं ऑफिशियल्स होते हैं पार्लियामेंट के। देयर आर यूजुअली 3 सेशन इन अ ईयर। एक साल के 3 सेशन होते हैं, जो बजट सेशन है, मानसून सेशन है और विंटर सेशन है। अब देखिए, अगर पार्लियामेंट में कोई भी हमारा कोई मेंबर है वो एब्सेंट होता है 60 डेज के लिए, बिना इन्फॉर्म किए, बिना परमिशन, बिना किसी को इन्फॉर्म किए वो 60 डेज के लिए एब्सेंट होते हैं, तो क्या होगा? मेंबर शैल बी टर्मिनेटेड। तो उनका जो मेंबरशिप होगा वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा 60 डेज विदाउट इन्फॉर्मेशन, अगर वो एब्सेंट होते हैं तो। 105 जो आर्टिकल 105 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रिविलेजेस एंड द इम्यूनिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 105 याद रखिएगा, इसमें प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज हैं किसकी? जो हमारी MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ठीक है, फॉर मेकिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज इफेक्टिव पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी को इफेक्टिव बनाने के लिए स्टेट लिस्ट पे बिना स्टेट के जो है, बिना स्टेट के कंसेंट के जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो लेजिस्लेट कर सकती है, वो लॉ बना सकती है। ठीक है, स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस कैन प्रोहिबिट एनी मेंबर एंड अलाउ एनी अदर मेंबर टू स्पीक। अब देखिए, एक चीज़ होती है यील्डिंग ऑफ द फ्लोर। क्या होता है यील्डिंग ऑफ द फ्लोर? इसमें क्या होता है कि जो स्पीकर होते हैं, किसमें? लोकसभा के केस में स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के केस में जो हमारे चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो स्पीकर और चेयरमैन क्या कर सकते हैं? किसी को जो है बोलने से मना कर सकते हैं और वो जो है किसी को अलाउ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या है? स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस कैन प्रोहिबिट एनी मेंबर एंड अलाउ एनी अदर मेंबर टू स्पीक। तो इसको हम कहते हैं यील्डिंग ऑफ द फ्लोर। ठीक है, अब एक दूसरी चीज़ होती है क्रॉसिंग द फ्लोर। क्रॉसिंग द फ्लोर क्या होता है? व्हेन अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट चेंजेस देयर एलिगेंस और वोट अगेंस्ट देयर पार्टी इन द पार्लियामेंट इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग ऑफ द फ्लोर। ठीक है, यानी कि अपना जो जो वोटिंग है वो पार्टी के अगेंस्ट कर देते हैं, वोट अगेंस्ट द पार्टी पार्लियामेंट में ऐसा होता है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ऑफ द फ्लोर। ठीक है, अब देखिए, जीरो सेशन आपने बहुत बार पढ़ा होगा और एग्जाम में आता है, जीरो आर क्या होता है? तो जीरो आर देखिए 1 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, ये 12 से 1 बजे तक का होता है और एक यूनिक पार्लियामेंट्री फीचर है इंडियन सिस्टम का, यानी कि इंडिया ने ईजाद किया है जीरो आर को। ये 12 से 1 बजे तक का टाइम होता है। ठीक है, और लोकसभा में तो इसको हम जीरो आर कहते हैं। मनी बिल की अगर बात करें तो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, लोकसभा में सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो मनी बिल है हमारा वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो हमने क्या देखा कि जो मनी बिल हमारा है वो मनी बिल जो है लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता है। और कैसे होगा? प्रेसिडेंट पहले रिकमेंड कर देंगे तब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, राज्यसभा जो है उसका जो है मनी बिल के केस में क्या जो है राज्यसभा कर सकती है? तो राज्यसभा जो है रिजेक्ट नहीं कर सकती और अमेंड नहीं कर सकती, रिकमेंडेशन दे सकती है, वो रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, वो अमेंड भी नहीं कर सकती, और 14 दिन के भीतर ही उसको जो है लोकसभा को जो है उसको वापस भेजना होता है। लोकसभा क्या कर सकती है? लोकसभा जो है उस रिकमेंडेशन को जो राज्यसभा ने भेजा हुआ है उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है या रिजेक्ट कर दे, वो उसके ऊपर है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा मनी बिल के केस में क्या होता है, ये सब एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108। आर्टिकल जो 108 क्या कहता है? प्रेसिडेंट समन्स बोथ द हाउस फॉर अ ज्वाइंट सेटिंग। ज्वाइंट सेटिंग एक चीज होती है जिसमें जो प्रेसिडेंट हमारे होते हैं वो दोनों हाउसेस को, ठीक है, कौन समन करता है? प्रेसिडेंट समन करते हैं दोनों हाउसेस को, लोकसभा और राज्यसभा को, ज्वाइंट सेशन के लिए, ज्वाइंट सेटिंग के लिए। किस लिए ज्वाइंट सेटिंग क्यों होती है? क्योंकि कोई ऐसी जो कोई इशू है जिसको रिजॉल्व करना हो, डेडलॉक को खत्म करना हो, उसकी वजह से ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है और ये जो ज्वाइंट सेटिंग है वो प्रेसिडेंट बुलाते हैं। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 118, ठीक है, अभी 108 की बात करें, ज्वाइंट इसमें सेटिंग है और 118 जो है, स्पीकर शैल प्रिसाइड ओवर अ ज्वाइंट सेटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट।
अब देखिए प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग बुला दिया, ठीक है, ये ज्वाइंट सिटिंग बुला दिया और इसमें लोकसभा और राज्यसभा है। अब देखिए इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो बैठेंगे, उनको कौन प्रिसाइड करेगा, ठीक है, तो प्रिसाइड करेंगे वो जो स्पीकर होंगे, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है प्रिसाइड करेंगे ज्वाइंट सिटिंग को, याद रखिएगा। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड अब ओनली फॉर द ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल, ठीक है, यानी कि सिर्फ मनी बिल के केस में ऐसा ज्वाइंट सेटिंग नहीं होगा, ऑर्डिनरी बिल होगा या फिर जो है आपका फाइनेंशियल बिल होगा तब हम ज्वाइंट सेटिंग बुला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, सिंस 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से ज्वाइंट सेटिंग जो है, ज्वाइंट सेटिंग ऑफ टू हाउसेज हैज बीन इन्वोक्ड ओनली फॉर 3 times, अभी तक 3 बार जो है बुलाया गया है ज्वाइंट सेटिंग, ठीक है, डेडलॉक हो जाता है कभी उसको रिजॉल्व करने के लिए ज्वाइंट सेटिंग बुलाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया, तो अभी तक 3 बार बुलाया गया है। पहला कब हुआ था, 1961 में पहली बार ज्वाइंट सेटिंग 1961 में हुई थी फॉर द डाउरी प्रोहिबिशन बिल, किसके लिए, डाउरी प्रोहिबिशन बिल के लिए। सेकेंड वन इज फॉर द बैंकिंग सर्विसेज कमीशन, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बिल इन 1978, तो दूसरी बार तो तब बुलाया गया था, और तीसरी बार जो बुलाया गया था वो लेटेस्ट है आपका 2003 में फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, ठीक है, तो इसमें जो है डेडलॉक की वजह से इनको बुलाया गया था ज्वाइंट सेटिंग हमारी। एनी लीगल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, कोई भी लीगल बिल जो है कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में जो है उसको इंट्रोड्यूस किया सकता है। स्पीकर हैज पावर टू डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, ठीक है, अब मान लीजिए कोई बिल आ गया तो अब जो है किसके पास पावर होगी, जो हमारे स्पीकर होंगे उनके पास पावर होगी कि कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है, ठीक है, स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है। टू विदड्रॉ द फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर हमें जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड को विदड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट नीड्स टू पास द एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, अब देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, उससे अगर कोई फंड हमें ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन बिल क्या करना पड़ेगा, इसे ये हमें पास करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 116 के अकॉर्डिंग क्या होता है, व्हेन एप्रोप्रिएशन बिल इज नॉट पास्ड एंड गवर्नमेंट नीड्स फंड देन लोकसभा हैज पावर टू विदड्रॉ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, थ्रू वोट ऑन अकाउंट फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, देखिए इसमें लिमिटेशन है, एक फिक्स पीरियड टाइम के लिए कर सकते हैं, अगर अगर जो हमारा अप्रोप्रिएशन बिल है, क्यों होता है अप्रोप्रिएशन बिल, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल जो है पहले क्या होता है उसको पास करना पड़ता है, अगर अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो पाता है तो आर्टिकल 116 के अकॉर्डिंग 116 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लोकसभा के पास पावर है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बिल निकाल सकती है, कैसे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट के थ्रू वो बिल वो पैसे ड्रॉ कर सकती है, किसके लिए, फॉर फिक्स टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, तो ये चीज हो गई 116 में है, याद रखिएगा। एस्टिमेट्स कमेटी इज द लार्जेस्ट, अब हम कमेटी की बात करें कौन कौन सी कमेटीज होती है और कमेटीज इंपॉर्टेंट है, तो पहली कौन सी हमारी, एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी क्या है, लार्जेस्ट कमेटी, याद रखिएगा एग्जाम आ जाता है लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ने लिखना है, एस्टिमेट कमेटी जो हमारी लार्जेस्ट कमेटी होती है पार्लियामेंट की, इसमें 30 members होते हैं, 30 members होते हैं, ठीक है, और सारे मेंबर्स, इसमें एक चीज होती है कि एस्टिमेट कमेटी के जो सारे मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा के एक भी मेंबर इसमें नहीं होते हैं, तो देयर इज नो राज्यसभा मेंबर्स इन द एस्टिमेट कमेटी। सेक्रेटरिएट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, तो देखिए जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसे कंट्रोल करती है, पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू, ठीक है, इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं, अभी हम देखेंगे पार्लियामेंट्री क्या कमेटी काम करती है, तो देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, इन द पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ कमेटीज इन डिस्चार्ज इट्स ड्यूटीज, देखिए जो कमेटीज होती हैं एक्सक्यूज मी, दीज कमेटीज आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है, तो ये जो हमारी कमेटीज होती हैं तो इनके मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं या तो पार्लियामेंट के थ्रू या फिर उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है, हमारे स्पीकर्स और हमारे चेयरमैन को नॉमिनेट कर देते हैं, ठीक है, क्यों होता है, जो बिजनेस होता है उनको डिस्चार्ज, उनके ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए कमेटीज बनाई जाती हैं ताकि उनकी ड्यूटीज को और आसान बना सके, ठीक है। दे परफॉर्म देयर वर्क ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन एंड सबमिट देयर रिपोर्ट टू स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है, तो अब देखिए बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना लोकसभा और राज्यसभा में, तो किसकी बात सुनेंगे भाई, जो हेड है ना, जो उसको लीड कर रहा है, कौन है, चेयरमैन है या फिर स्पीकर है, तो जो हमारी कमेटीज होती है, कमेटीज की बात करें तो कमेटीज जो है अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगी इनके डायरेक्शन के थ्रू और अपने रिपोर्ट को जो है इन्हीं को सबमिट कर देती है, ठीक है। अब क्या होता है, मेनली द पार्लियामेंट्री कमेटीज आर ऑफ टू काइंड्स, दो तरीके की कमेटीज होती है पार्लियामेंट्री में, अभी हमने देखा सबसे बड़ी कमेटी कौन सी होती है, एस्टिमेट कमेटी, 30 members होते हैं, लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के कोई मेंबर नहीं होते,
अब कमेटीज भी दो तरीके की होती हैं। कमेटीज कौन सी होती हैं? अब देखिए, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है और एक एडॉक कमेटी होती है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट कमेटी होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर और पीरियडिकली, है ना, या तो हर साल या तो पीरियडिकली इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, एंड वर्क ऑन द कंटिन्यूस बेसिस व्हाइल द एडॉक कमेटीज आर टेम्परेरी। एडॉक का मतलब ये होता है क्या? परमानेंट नहीं, ठीक है, टेम्परेरी होता है। तो एडॉक कमेटी जो है टेम्परेरी होती है एंड सीजेस टू एग्जिस्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टास्क असाइन टू देम, ठीक है। कोई भी टास्क कंप्लीट करने के बाद उनका जो है जो उनका अस्तित्व होता है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है सीज कर जाती हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? एडॉक कमेटी हो गई। बट स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? परमानेंट होती है और इनको हर साल पे या जब भी जो है इनको पीरियोडिक बेसिस पे इनको क्या किया जाता है? इनको कंटिन्यूसली जो है वो काम करती रहती है अपना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए स्टैंडिंग कमेटी, इसको हम स्टैंडिंग कमेटी की बात करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी मतलब वो परमानेंट कमेटीज कौन कौन सी है? एक तो हो गया फाइनेंशियल कमेटी, ठीक है, दूसरा हो गया डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज, फिर आपकी है कमेटीज ऑफ इंक्वायरी, फिर कमेटीज ऑफ द स्क्रूटनी एंड कंट्रोल, ठीक है, कमेटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, स्क्रूटनी करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, फिर कमेटीज रिलेटिंग टू डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, ठीक है, डे टू डे बिजनेस जो है उसको भी देखने के लिए कमेटी होती है हमारी, फिर है हाउस कीपिंग कमेटी और सर्विस कमेटी, ठीक है। तो ये हमारी मेनली 6 टाइप की कमेटीज है। अब हम एक एक करके सारी कमेटीज को देखेंगे। फर्स्ट हमारी फाइनेंशियल कमेटी, क्या है ये? इट इंक्लूड्स पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ठीक है। तो फाइनेंशियल कमेटी में कौन कौन सी आ गई? पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, पीएसी, फिर है एस्टिमेट कमेटी और इसी में पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, तो तीन कमेटी आ गई। मोस्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटीज लीविंग सम कमेटीज कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इन रेशियो 2:1, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं वो क्या होती है, उनमें जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लोकसभा के और राज्यसभा के होते हैं और उनका रेशियो क्या होता है? 2:1, ठीक है। अगर जो है इसमें दो मेंबर रहेंगे तो एक मेंबर इनके रहेंगे, ठीक है ना, 50 मेंबर अगर इनके हैं तो 25 यहाँ पे होंगे। तो इस तरीके का कुछ रेशियो होता है मैक्सिमम में, बट कहीं कहीं ऑप्शन आपके पास एक्सेप्शन भी मिल जाएंगे। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स, ये याद रखिएगा, जो हमारी पब्लिक पीएससी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, उसके 22 मेंबर होते हैं, 15 जो है होते हैं लोकसभा के और 7 जो है राज्यसभा के, ठीक है। तो 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। इट एग्जामिन्स वेरियस एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स अंडर द प्रिव्यू ऑफ पार्लियामेंट। क्या करती है? बहुत सारे जो हमारे एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स होते हैं और अकाउंट्स होते हैं वो किसके? पार्लियामेंट के जो है प्रिव्यू में, उसको क्या करती है? एग्जामिन करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एस्टिमेट कमेटी के, ठीक है। इसके पहले हमने पीएससी की बात की थी, पीएससी में कितने मेंबर्स थे? 22 मेंबर्स होते हैं और इसमें जो है 15 जो हमारे जो होंगे वो लोकसभा से होंगे, 7 राज्यसभा से होंगे। एस्टिमेट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स इलेक्टेड एवरी ईयर बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, ऑल इट्स मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा। राज्यसभा मैंने पहले इसको डिस्कस कर लिया है कि एस्टिमेट कमेटी लार्जेस्ट कमेटी होती है एंड देयर इज नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, सारे मेंबर जो है लोकसभा के होते हैं। इट फंक्शंस इज टू सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट इफिशियंसी एंड इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू रिपोर्ट इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी क्या करती है? ये एफिशिएंसी को मेंटेन करने का काम करती है, इम्प्रूव करती है आपका जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग है उस पर रिपोर्ट करती है, उसको देखती है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। तो ये हमारी होगी एस्टिमेट कमेटी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को देखती है, ठीक है। कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरटेकिंग द एस्टिमेट्स मे बी इफेक्टेड, ये हमारा हो गया। मतलब जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, एफिशिएंसी को मेंटेन करना, इकोनॉमी को जो है बैलेंस करना, ये सारा काम जो है, इकोनॉमी मतलब जो हमारी जो डे टू डे जो बिजनेस है वो किस तरीके से चल रहा है, वो सब चीज़ें देखना ये काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। नेक्स्ट क्या है? पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। इट एनालाइजेस द अकाउंट्स एंड वर्किंग ऑफ द स्टेट ओन्ड पीएसयूज फॉर्म्स, ठीक है। तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है? एनालाइज करती है अकाउंट्स को और वर्किंग ऑफ द स्टेट ओन्ड पीएसयूज फॉर्म, ठीक है। इट ऑल्सो कीप अ चेक ऑन द डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऑफ वेरियस पीएसयूज। तो डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है पीएसयू की, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, तो उसको देखती है। पिटिशन कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, ठीक है। तो ये कितनी होती है? पिटिशन कमेटी के 15 मेंबर्स होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू लोकसभा स्पीकर, ठीक है। तो ये पीएससी जो होती है वो किसको करेगी रिपोर्ट? ये लोकसभा स्पीकर को करेगी। और जनरली अ मेंबर फ्रॉम द अपोजिशन इन लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन अ चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है
कि जो मेंबर होते हैं किसके अपोजिशन, मेंबर्स फ्रॉम अपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा में जो अपोजिशन होंगे उसके जो मेंबर होंगे वो उसको चेयरपर्सन बना देते हैं किसके, पीएसी के, पब्लिक अकाउंट कमेटी के, और ये जो है चेयरमैन उनको अपॉइंट करते हैं चेयरमैन चेयरपर्सन, ठीक है, जो लोकसभा के, लोकसभा में अपोजिशन होगा उनको चेयरमैन अपॉइंट करेंगे, कौन होगा, स्पीकर अपॉइंट करेगा, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज बन रहा है, पीएससी के लिए है ये। अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, अब क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, हमारे नोट्स कंप्लीट हो गए, इसमें लगभग 150 क्वेश्चन है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।